दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटा को भी दबा देना ताकि आप कोई भी खबर या जानकारी मिस न कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हमीर और आपका मिस्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एक और क्रिकेट न्यूज़ वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे एशिया कप 2018 के बारे में। तो दोस्तों शायद आप लोगों को तो पता लग गया होगा एशिया कप 2018 के बारे में, क्योंकि दो दिन पहले इसके बारे में घोषणा हो गया था और मैंने वीडियो देने में भी बहुत ही देरी कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे कवर करना पड़ गया, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो देरी करने के लिए आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी कहता हूँ। मैं अगली बार कोशिश करूँगा सही टाइम पर सही वीडियो देने की। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एशिया कप 2018 के बारे में। तो दोस्तों इसका शुरुआत हो रहा है 15 सितंबर 2018 के बारे में। पहला मैच होगा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, उसके बाद 28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल। और अगर इसकी वेन्यू की बात करें तो दोस्तों ये इंडिया में भी नहीं होगा, बांग्लादेश भी नहीं होगा और पाकिस्तान में भी नहीं होगा। ये होने वाला है अबू धाबी और दुबई में। तो दोस्तों पूरा जो टूर्नामेंट होने वाला है वो अबू धाबी और दुबई में ही होगा। पूरे जो टूर्नामेंट है वो ODI फॉर्मेट में होगा। टोटल 6 टीम खेलने वाला है इस टूर्नामेंट में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन सा टीम अभी भाग ले रहा है, तो 5 टीम अभी कंफर्म हो चुका है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये 5 टीम कंफर्म हो गया है और 1 टीम क्वालिफाई राउंड खेल के यहां पर आने वाला है। तो दोस्तों क्वालिफाई जो राउंड होने वाला है वो टोटल इंडिया में ही होगा। मैं आपको उन टीमों का नाम बता देता हूँ जो क्वालिफाई राउंड खेलने वाला है। तो पहला है हांगकॉन्ग, उसके बाद मलेशिया, नेपाल, ओमान, सिंगापुर, UAE। तो दोस्तों ये तो रहेगा टोटल 6 टीम जो क्वालिफाई राउंड खेल के एशिया कप 2018 के लिए क्वालिफाई करने वाला है, जो जाकर लीग स्टेज खेलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि एशिया कप 2018 3 स्टेप में खेला जाएगा। पहले तो यहाँ पर ग्रुप स्टेज होगा, उसके बाद टॉप जो 4 टीम रहेगा वो चला जाएगा Super 4 में, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है Super 4, जहाँ पर एक टीम दूसरी टीम के साथ मुकाबला करेगा और वहाँ से टॉप जो 2 टीम निकालेगा वहाँ से वो चला जाएगा फाइनल में। फाइनल होगा दोस्तों 28 सितंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर इंडिया फेस करेगा पाकिस्तान को लीग स्टेज में 19 सितंबर। तो दोस्तों बहुत एक ज़बरदस्त मैच होने वाला है, बहुत दिनों बाद हमको इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा, जो एकदम कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों ये तो हो गया एशिया कप 2018 किस तरह से होने वाला है, कौन कौन सा टीम होगा इस लीग में और किस फॉर्मेट में होगा, इन सब कुछ के बारे में बातचीत। और आप अगर पूरा जो शेड्यूल है उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैंने डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप देख लीजिए। और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मेरे अकाउंट पर मैंने पोस्ट कर दिया है एशिया कप का जो शेड्यूल है, तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एशिया कप 2018 के बारे में किस तरह से शेड्यूल है इनका। क्योंकि शेड्यूल अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और बोरिंग भी लगेगा। और इसके बाद चलिए हम फटाफट बात कर लेते हैं लाइव स्ट्रीम के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग तो देखते आ रहे हो कि सोनी लिप पर, सोनी 6 पर हो रहा था अभी तक इंडिया का जो टूर चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो एशिया कप होने वाला है वो होगा हॉटस्टार पर और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है स्टार स्पोर्ट पर देखने के लिए, क्योंकि उनका जो फैसिलिटी है, उनका जो काम है वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन सोनी लिप या सोनी नेटवर्क में मुझे उतना पसंद नहीं है, तो बहुत ही एक अच्छा लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क में। और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो तो आपको हॉटस्टार डाउनलोड करना पड़ेगा, आप लोग तो जानते होंगे। और अगर दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो अभी तक टाइमिंग का कुछ भी घोषणा नहीं हुआ है, कुछ भी कन्फर्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे शायद लग रहा है कि वो दोपहर में मैच शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा धूप रहता है। तो 1:30 बजे, या अगर वहाँ पर 1:30 बजे शुरू होने वाला है तो हमारा जो टाइम डिफरेंस है वो लगभग 2 घंटे का। अगर वहां पर 1:30 बजे शुरू होता है तो हमारे यहां पर 3:30 बजे होने वाला है। अगर 2:30 बजे शुरू होगा तो यहां पर हमारा 4 या 4:30 बजे शुरू होने वाला है। तो टाइम कुछ इस तरह के रहने वाला है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जब भी कंफर्म हो जाएगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों बस इतना ही था एशिया कप के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हो, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि उनको भी इस तरह के इंटरेस्टिंग खबर के बारे में पता चले एशिया कप 2018 के बारे में। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।